पे यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ देखा ही नहीं सर सर यहाँ पे देखा ही नहीं सर सर यहाँ देखा ही नहीं सर सर इधर सर सर इधर शक्ति सर इधर इधर सर इधर एक फोटो सर सर यहाँ पे यहाँ पे सर सर शक्ति सर I'm left. Center, center, man.
फ्रेम है भी लेफ्ट कॉर्नर मैडम सेंटर लो सेंटर सेंटर मैडम सेंटर 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 श्रेया मैम सर बहुत खास है मेरे लिए ये आई एम प्लेइंग अ लॉयर एंड मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है सो आई एम हैप्पी दैट दे कुड आल्सो कम एंड वॉच इट मैम मेरा अगला सवाल ही वही था कि आप एक लॉयर प्ले करिए एंड इट्स नॉट दैट इजी आई मीन सारी रोज वगैरह याद रखना सारी दुआएं याद रखना हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वो सब याद करना एंड उन सब के बारे में प्रिपरेशन करना कैसा था ऑफकोर्स मेरे लिए मेरे डायरेक्टर का अप्रोच और उनके साथ बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट था उन्होंने बहुत सवाल पूछे मैंने एट द सेम टाइम मैंने लॉयर्स फ्रेंड्स के साथ भी बातें की बट स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है दैट आई फील अ लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाय द स्क्रिप्ट इटसेल्फ और हमेशा ये चैलेंजिंग होता है कि आप किस तरह से वो आसानी के साथ प्ले करें और ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि बहुत कोशिश कर रहे हैं तो हमने दिल्ली में एक स्क्रीनिंग की थी लॉयर्स के साथ और वहाँ पे हमें कुछ लॉयर्स ने कहा कि वो हमें डेफिनेटली हायर करते अगर हम आना चाहते तो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी श्रेया को पढ़ाई करना हमेशा अच्छा लगता था सो इस बात को मैंने एक्चुअली देखा कि ये किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है तो पता चला कि ये प्रिपेयर कर रही है अपने आप को एक लॉयर के लिए वेल आज पहली बार हम सब एक साथ देख रहे हैं अभी तक लाइक आई सेड दिल्ली में मुझे हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला है कि शो ऑथेंटिक है रियलिस्टिक है पर आज आई गेस कास के साथ देख रही हूँ सो उनका भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं कुछ नहीं देखा है मेरे पास सिर्फ 3 एपिसोड देखे हैं सो वी आर वेटिंग टू वॉच फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी है एंड साथ में लॉयर फैमिली है सो हाउ इज दैट केमिस्ट्री विद योर फ्रेंड इन दिस व्हिच इज आल्सो काइंड ऑफ ऑपोजिट टू या ट्रेलर में लोगों को वरुण और मेरी केमिस्ट्री अच्छी लगी है एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग व्हेन पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोज लाइंस ब्लर and that also makes for a lot of entertainment viewing to watch to bahut maza aaya and as a lawyer mere opinions aur deepak ke opinions bahut alag hai to logon ko maza aayega definitely in fact on chemistry bhi bahut maza aa raha hai ji usse aap se aur main ek kehna chahungi ki papa ne mujhe kaha tha ki unhe hamesha se lawyer play karna tha unhe kabhi mauka nahi mila isliye jab mujhe mila wo bahut khush the ha mujhe zindagi mein mujhe agar main actor nahi banta to lawyer banta ye ek meri ambition thi lawyer ka play nahi karna tha nahi lawyer play karna था क्योंकि मेरी एम्बिशन थी लॉयर बनने की तो उसके बाद भी मुझे किसी ने आज तक इंस्पेक्टर नहीं बनाया और लॉयर नहीं बनाया शायद मैं अभी तक उन्हें उतना बड़ा नहीं लग रहा कौन से कैमरे में देखूं सारे में देखना सारों में देखूं क्या बोल रहे आप एक लॉयर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एंड श्रेया जी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है हाँ मुझे भी लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आई थिंक स्क्रिप्ट में काफ़ी लेयरिंग थी जो मतलब हम लोग दोस्त भी हैं और हम लोग लॉयर्स भी हैं और एक पैशनेट भी हैं तो एक दूसरे के साथ एकदम झड़ के लड़ते हैं एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लव व्हिच इज बीन देयर ड्यूरिंग कॉलेज टाइम्स सो या इट्स अ गुड केमिस्ट्री बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा स्पेसिफिक पूछिए लीगल ड्रामा है लीगल ड्रामा के अलावा ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर है और ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स होता है उसके ऊपर है और
प्यार तो सब चीज़ों में होता ही है. सो इट्स लाइक अ आई वुड से इट्स अ मिक्स बैग विद द लीगल ड्रामा एज द कॉमन थ्रेड फॉर ऑल द एपिसोड्स. वेल बीइंग अ लॉयर काफी सारी भाई याद रखनी पड़ती, काफी सारे लॉज हैं जो आज के डेट में याद रखने पड़ते. सो हाउ वाज योर कैरेक्टर प्रिपरेशन? बट सी आई एम एन एक्टर सो आई डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू रिमेंबर द सीन. और वो थोड़ा सा मतलब वो सीन्स इतने फ्लो में लिखे हुए थे कि ऐसा मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट कि वो आपके मुंह में बैठ जाए. तो और लैंग्वेज भी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं थी. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड इज कोविड का टाइम था तो वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, टू इयर्स ऑलमोस्ट के बीच में गैप्स के साथ हमने सब शूट किया. तो वी हैड इनफ टाइम टू प्रेप द डायलॉग्स, इट वाज नॉट हार्ड. इफ यू कैन यू नो एलैबोरेट अबाउट द होल सीरीज इन लाइक वन सेंटेंस, व्हाट इट मींस? आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव पुट अ लॉट ऑफ लव इनटू इट. There's a lot of truth in the whole show, and it was an important project for us all, and we've all just poured every single bit of what we had into it. And uski jhalak dekhi jati hai kahin na kahin. So I'm hoping that everybody connects to it. Well, if I ask you why Guilty Minds is the name for the website? Well, because Guilty Minds means that an act does not make you guilty unless your mind is also guilty. So the intention behind it is very important. So it applies to even regular people like us when we feel guilty about a lot of things. But yes, there's a legal implication. Lastly, a message for your fans. Sorry? A message for your fans. Message for my fans? Guys, watch the show. It's out on the 22nd of April. And then message me. Tell me what you guys thought. And I would love to hear from you. रिलेटेबल है तो आई थिंक ऐसा कुछ कोई रस नहीं है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो प्लीज देखिए, आई एम श्योर यू लाइक. वेल कमिंग डाउन टू लॉ एंड एवरीथिंग, देयर इज अ सर्टेन रिसर्च दैट ऑलवेज कंटिन्यूज. इस चीज के अंदर आपने कितना रिसर्च किया, कितने लॉज हैं जो जिनके बारे में आपने सोचा है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए? यहाँ पे रिसर्च किया हमने क्योंकि हमारे जो राइटर्स हैं उसमें शिवाली भी एक लीगल बैकग्राउंड से आती है और मानव भूषण बोले कि लॉ की पढ़ाई की है और कोर्ट लाए थे दीक्षा गुजरात सीज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. तो हमने कोई भी मुद्दा कोई भी केस जब लिया तो उसके बारे में एमसी सेक्शंस के बारे में उसके लीगल कॉम्प्लिकेशन जो भी होती है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया और हमने बहुत सोच समझ की है. देखिए ट्रेलर पे बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि लोगों को शो भी उतना ही पसंद आए जितना अच्छा ट्रेलर लग रहा है. और रिएक्शंस हर तरह के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं. अब जब लोगों को दीपक और कश्यप का रोमांटिक एंगल को अच्छा लग रहा है, जैसे आपने पहले में देखा होगा वहाँ पर जो पेशेंट वाला जो है लोगों को वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है. तो वो एक मोमेंट है जो ट्रेलर में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑब्वियसली वेब सीरीज में तो आप जरूर देखिए. Thank you. Thank you. Thank you so much.